हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 14वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 14 पर विचार करेंगे। यदा सत्व प्रवृद्धे तो प्रलयम याति देह भृन् तदोत्तम विदाम लोकान अम्लान प्रतिपद्यते। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यदा सत्व प्रवृद्धे, जिस समय सत्व गुण प्रवृद्ध होता है, जिस समय सत्व गुण की प्रवृद्ध होने पर प्रलयम याति देहभृत, जो देहधारी है वो मृत्यु प्राप्त करता है। सत्व गुण की वृद्धि होने के समय यदि देहधारी मृत्यु प्राप्त करता है, तदोत्तम विदाम लोकान अम्लान प्रतिपद्यते, तदा उत्तम विदाम, तो विशेष उत्तम ज्ञान वालों के लोकों में जाता है। अम्लान जो कि निर्मल हैं, विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति करता है। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। सतोगुणी व्यक्ति ब्रह्मलोक या जनलोक जैसे उच्च लोकों को प्राप्त करता है और वहाँ दैवी सुख भोगता है। अम्लान शब्द महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ है रजो तथा तमोगुणों से मुक्त। भौतिक जगत में अशुद्धियाँ हैं लेकिन सतोगुण सर्वाधिक शुद्ध रूप है। विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के लोक हैं। जो लोग सतोगुण में मरते हैं वे उन लोगों को जाते हैं जहाँ महर्षि तथा महान भक्तगण रहते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। श्लोक संख्या 11, 12 और 13 में श्री कृष्ण ने उन लक्षणों का वर्णन किया जो लक्षण क्रमशः सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण की प्रधानता में उत्पन्न होते हैं। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जिस समय सत्वगुण की प्रधानता होती है उस समय यदि व्यक्ति का शरीर छूटता है तो उसे कैसी गति प्राप्त होती है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए, अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि जिस समय सत्वगुण की प्रधानता होती है उस समय शरीर छोड़ने पर व्यक्ति को उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की दो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलयम याति देहभृत, अर्थात जब देहधारी की मृत्यु सत्वगुण की प्रधानता में होती है। तो यहाँ पर बात पूरी नहीं हुई है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जब देहधारी की मृत्यु सत्वगुण की प्रधानता में होती है तब क्या होता है। इस प्रश्न का उत्तर तो श्लोक की अगली पंक्ति में प्राप्त होगा, परंतु इस समय हम इस बात की चर्चा करेंगे कि मृत्यु के समय किस प्रकार सत्वगुण की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मृत्यु के समय यदि सत्वगुण की वृद्धि होती है तो व्यक्ति को उत्तम गति प्राप्त होती है। परंतु यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भाई कौन सा नियम है जिसके अनुसार मृत्यु के समय सत्वगुण की वृद्धि होती है। इस नियम का वर्णन श्री कृष्ण ने गीता 8:6 में इस प्रकार किया है, जो व्यक्ति जीवन भर जिस भाव से भावित रहा है अंतकाल में वह उसी भाव का स्मरण करता है तथा मृत्यु के बाद वह उसी भाव को प्राप्त करता है। इसका अर्थ है यदि व्यक्ति जीवन भर सात्विक भाव का अभ्यास करता है तो अंतकाल में वह सात्विक भाव का ही स्मरण करेगा, अर्थात उसके शरीर में सत्वगुण की प्रधानता रहेगी तथा वह मृत्यु के बाद सात्विक शरीर प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति जीवन भर रजोगुणी भाव का अभ्यास करता है वो अंतकाल में रजोगुणी भाव का ही स्मरण करेगा, अर्थात उसके शरीर में रजोगुण की प्रधानता होगी तथा वो मृत्यु के बाद रजोगुणी शरीर प्राप्त करेगा।
तथा जो व्यक्ति जीवन भर तमोगुणी भाव का अभ्यास करता है वो अंतकाल में तमोगुणी भाव का ही स्मरण करेगा, अर्थात उसके शरीर में तमोगुण की प्रधानता होगी तथा वो मृत्यु के बाद तमोगुणी शरीर प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्वगुण की अधिकता में शरीर त्यागने पर उत्तम गति प्राप्त होती है। यद्यपि सामान्य नियम तो यह है कि जो व्यक्ति जीवन भर सात्विक कर्म करता है उसी के अंतकाल में सत्वगुण की प्रधानता होती है, परंतु शास्त्रों में कुछ ऐसी भी स्थितियाँ बताई गई हैं जिनमें शरीर त्यागने पर सत्वगुण की अधिकता हो जाती है, चाहे व्यक्ति ने जीवन भर सत्वगुण का अभ्यास ना भी किया हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्वगुण की अधिकता में शरीर छोड़ने पर उत्तम गति प्राप्त होती है। इसका अर्थ ये भी है कि यदि व्यक्ति अपना शरीर छोड़कर स्वर्ग की प्राप्ति करता है तो अंतकाल में उसके शरीर में सत्वगुण की अधिकता थी। श्री कृष्ण गीता 2:32 में कहते हैं कि भाग्यशाली क्षत्रियों को ही ऐसा युद्ध प्राप्त होता है जो स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। यद्यपि कौरवों ने जीवन भर पांडवों के साथ अन्याय किया है, परंतु चूंकि वे युद्ध करते हुए मारे गए अतः उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अब यदि सत्वगुण की अधिकता में शरीर त्यागने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो ये बात भी निश्चित है कि स्वर्ग में गए हुए व्यक्ति ने सत्वगुण की ही अधिकता में शरीर छोड़ा है। महाभारत की स्त्री पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 26 में वर्णन आता है कि धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर महाराज से पूछा, हे पुत्र मुझे ये बताओ कि महाभारत के इस युद्ध में मरे हुए सैनिक किस गति को प्राप्त हुए हैं। इति उस समय युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया, जिन लोगों ने युद्ध में अत्यंत उत्साहपूर्वक अपने शरीर को छोड़ा है उन्हें इंद्रलोक प्राप्त हुआ है। जिन लोगों ने अप्रसन्न मन से मरने का निश्चय करके शरीर छोड़ा है वे गंधर्वों के लोक में गए हैं। जो लोग युद्ध से विमुख होने पर मारे गए हैं वे यक्षों के लोक में गए हैं। जो लोग अत्यंत वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए मारे गए हैं वे ब्रह्मा जी के लोक में गए हैं। इति ये बात समझने की है कि यदि दुर्योधन तथा दुशासन युद्ध करते हुए ना मारे गए होते तो इन लोगों को नरक की प्राप्ति होती, परंतु चूंकि ये लोग युद्ध में मारे गए थे इसलिए इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसका अर्थ है कि यद्यपि इन लोगों ने अपने जीवन में रजोगुण तथा तमोगुण का ही अभ्यास किया था परंतु अंतकाल में इन लोगों ने सत्वगुण की अधिकता में ही शरीर छोड़ा तथा उत्तम गति प्राप्त की। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्वगुण की अधिकता में शरीर छोड़ने पर व्यक्ति को उत्तम गति प्राप्त होती है। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 175 में गीता के प्रथम अध्याय के महात्म में वर्णन आता है कि एक वेश्या एक तोते के मुख से गीता के प्रथम अध्याय के पाठ को प्रतिदिन सुना करती थी। अब एक दिन उसने देखा कि एक स्थान पर एक बैल किसी गड्ढे में गिरा हुआ है। उस समय उस वेश्या ने ये पुण्य उस बैल को दिया। उस पुण्य के द्वारा बैल अगले जन्म में अत्यंत सदाचारी ब्राह्मण बना तथा उसे पूर्व जन्म की स्मृति भी बनी रही। इस घटना से पता चलता है कि यद्यपि बैल ने अपने जीवन में सत्वगुण का अभ्यास नहीं किया था परंतु एक वेश्या के द्वारा दिए गए गीता के प्रथम अध्याय के पाठ को प्रतिदिन सुनने के पुण्य से उस बैल को सत्वगुण की इतनी अधिकता प्राप्त हुई कि वो अगले जन्म में एक सदाचारी ब्राह्मण बना। इस प्रकार हम देखते हैं कि कभी कभी ऐसे लोग भी अपने अंतिम समय में सत्वगुण की अधिकता प्राप्त कर लेते हैं जिन्होंने अपने जीवन में सत्वगुण का अभ्यास नहीं किया है। परंतु हमारे लिए तो यही शिक्षा है कि हमें अपने जीवन काल में भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए ताकि जीवन के अंतिम समय में हम सत्वगुण की अधिकता में शरीर छोड़ें तथा उत्तम गति प्राप्त करें। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन में रजोगुण तथा तमोगुण का अभ्यास करेंगे परंतु किसी उपाय से जीवन के अंत में
सत्वगुण की अधिकता प्राप्त करके उत्तम गति प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार हमें अपने आप को संशयग्रस्त स्थिति में नहीं रखना चाहिए। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है, तो वह उत्तम ज्ञान वाले लोगों के उत्तम लोकों में जाता है। श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं, तदा उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते, अर्थात तो वह व्यक्ति उत्तम ज्ञान वाले लोगों के लोकों में जाता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सत्वगुणी व्यक्ति ब्रह्मलोक या जनलोक जैसे उच्च लोकों को प्राप्त करता है और वहां दैवी सुख भोगता है। अम्लान शब्द महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ है रजोगुण तथा तमोगुण से मुक्त। भौतिक जगत में अशुद्धियाँ हैं, लेकिन सत्वगुण सर्वाधिक शुद्ध रूप है। विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के लोक हैं। जो लोग सत्वगुण में मरते हैं वे उन लोकों को जाते हैं जहाँ महर्षि तथा महान भक्तगण रहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्वगुण की प्रधानता में शरीर त्यागने पर व्यक्ति उत्तम लोकों में जाता है। अभी हमने चर्चा की थी कि सत्वगुण की प्रधानता में जो लोग शरीर त्यागते हैं वे स्वर्ग जाते हैं, परंतु ये समझने की बात है कि यदि सत्वगुण की प्रधानता अधिक होती है तो व्यक्ति स्वर्ग से भी ऊपर के लोकों में जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्वगुण की अधिकता में शरीर त्याग करने पर उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। बृहद भागवतामृत के द्वितीय खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 2 में वर्णन आता है कि स्वर्ग से भी ऊपर महरलोक है। प्रलय के समय 3 लोकों का विनाश होने पर भी महरलोक बना रहता है। मुक्ति के समय पहुँचे हुए लोग ही इस स्थान पर निवास करते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी के राज्य के सुख से इंद्र पद में करोड़ों गुना सुख है, उसी प्रकार इंद्र से महरलोक में करोड़ों गुना अधिक सुख है। वहाँ साक्षात यज्ञेश्वर श्री कृष्ण की पूजा हो करके वे लोग कृतार्थ होते हैं, परंतु वहाँ पर एक दोष ये है कि यज्ञ समाप्त होते ही यज्ञेश्वर श्री कृष्ण अंतर्हित हो जाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्वगुण की अधिकता में शरीर त्याग करने पर उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। यदि सत्वगुण की प्रधानता और अधिक होती है तो व्यक्ति महरलोक से भी ऊपर जनलोक में जा सकता है। बृहद भागवतामृत के उसी अध्याय में वर्णन आता है कि 1000 चतुर्युग के बीतने पर जिस समय 3 लोकों में प्रलय की आग लगती है तथा उसके ताप से महरलोक भी तप्त हो जाता है, उस समय महरलोक के निवासी महर्षि जनलोक में चले जाते हैं। इस प्रकार जनलोक की कुछ विशेषता है कि महरलोक वासियों की भांति जनलोक के वासियों में प्रलय की अग्नि का ताप नहीं होता, परंतु वहां पर भी महरलोक के समान यही दोष है कि श्री कृष्ण की समीपता नहीं प्राप्त होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्वगुण की अधिकता में शरीर त्याग करने पर उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। यदि सत्वगुण की प्रधानता और अधिक होती है तो व्यक्ति जनलोक से भी ऊपर तपोलोक में जा सकता है। बृहद भागवतामृत के उसी अध्याय में वर्णन आता है कि जनलोक से भी ऊपर तपोलोक है, वहाँ पर 4 कुमार निवास करते हैं। वहाँ पर प्राप्त होने वाला सुख महरलोक तथा जनलोक में प्राप्त होने वाले सुख से करोड़ गुना अधिक है। वहाँ पर 4 कुमार श्री कृष्ण की महिमा का सदा आस्वादन करते हैं, परंतु वहाँ पर कमी इस बात की है कि श्री कृष्ण की स्तुति वे इस प्रकार करते हैं कि श्री कृष्ण उन्हें हृदय में दर्शन दें। वहाँ पर श्री कृष्ण की लीलाओं का वैसा आस्वादन नहीं होता है जैसी लीलाएं वे अपने भक्तों के साथ करते हैं।
तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्वगुण की प्रधानता में शरीर छोड़ने पर व्यक्ति उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। यदि सत्वगुण की प्रधानता और अधिक होती है तो व्यक्ति तपोलोक से भी ऊपर सत्यलोक में जा सकता है। बृहद भागवतामृत के उसी अध्याय में वर्णन आता है कि सत्यलोक ब्रह्मांड में सबसे ऊपर का स्थान है, जहाँ पर ब्रह्मा जी रहते हैं। वहाँ पर हजार सिरों वाला श्री कृष्ण का रूप विराजमान है, उनकी हजारों भुजाएं तथा हजारों चरण हैं तथा वे शेष नाग पर शयन करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के दर्शन का वहाँ पर अत्यंत सुख प्राप्त होता है। परंतु वहाँ भी एक दोष ये है कि कभी कभी श्री कृष्ण अंतर्धान होकर कहीं चले जाते हैं तथा उनका दर्शन नहीं प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त वहाँ भी काल का प्रभाव है तथा काल के वजह से लोग प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्वगुण की प्रधानता में शरीर छोड़ने पर व्यक्ति उत्तम लोगों को प्राप्त करता है। यदि सत्वगुण की प्रधानता इतनी होती है कि रजोगुण तथा तमोगुण का लेश भी नहीं रहता है तो व्यक्ति श्री कृष्ण के वैकुंठ लोक में जा सकता है। बृहद भागवतामृत के द्वितीय खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 3 में वर्णन आता है कि वैकुंठ में सबको आकर्षित करने वाले श्री कृष्ण रहते हैं। वे अपने भक्तों के समीप रहकर भक्ति रस का आस्वादन करते हैं। वैकुंठ नित्य असीम महासुख की चरम सीमा से युक्त है तथा ये स्थान श्री कृष्ण के प्रेमी भक्तों को ही सुलभ है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्वगुण की प्रधानता में शरीर त्याग करने पर उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन के अंतिम समय में ये उपदेश दिया था कि हमें सत्वगुण का विकास करने के लिए प्रातः 4:30 पर मंगल आरती के कार्यक्रम में उपस्थित होना चाहिए। प्रातः काल का समय चूँकि सात्विक होता है, अतः ऐसे समय में यदि हम निद्रा का त्याग कर श्री कृष्ण का भजन करते हैं तो सत्वगुण को इतना अधिक विकसित कर सकते हैं कि सत्वगुण अब गुण अर्थात बंधन न रहकर विशुद्ध सत्व बन जाता है, जिसमें स्थित होकर हम यदि शरीर त्यागते हैं तो वैकुंठ प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, प्रवृत्ति ये सत्व गुणे देह रह प्रलय निष्पापोत्तम लोक तारे प्राप्ति है। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं निष्पाप उत्तम लोक तार प्राप्ति है, अर्थात ही अर्जुन जो लोग सत्वगुण की अधिकता में शरीर त्याग करते हैं उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। परंतु यदि तुम मेरे धाम में आना चाहते हो तो तुम मेरी शरण लो। तो इस श्लोक में भगवान ने सत्वगुण का वर्णन किया है और सत्वगुण के संबंध में भगवान क्या कहते हैं कि यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देह भृत, कि जिस समय सत्वगुण के बढ़ने पर देहधारी शरीर छोड़ता है तो तदोत्तम विदाम लोकान अम्लान प्रतिपद्यते, तो उस समय ये जीवात्मा कहाँ जाता है, उत्तम विदाम लोकान जिनका उत्तम ज्ञान है उनके लोगों में जाता है, अम्लान जो कि अमल हैं, ये जो लोक हैं अमल हैं, अम्लान प्रतिपद्यते है ना। तो सत्वगुण की प्रवृद्धि में अगर कोई कृष्ण का भक्त है तो कृष्ण का स्मरण करता है तो फिर श्री कृष्ण चूँकि तीनों गुणों से परे हैं तो वो तीन गुणों से परे हो जाता है। तो श्री कृष्ण का स्मरण करे तो श्री कृष्ण के लोक में जाएगा है ना, और जो सत्वगुण में शरीर त्यागता है तो वो उच्च लोकों में जाता है ना। तो यहाँ पर
भगवान कह रहे हैं अमलान प्रतिपद्यते, लोकान अमलान प्रतिपद्यते, जो अमल लोक हैं है? यानी निष्कलंक स्थान हैं, तो वहाँ पर ही जाता है। तो यहाँ पर भगवान जो है अर्जुन को ये समझा रहे हैं, सत्वगुण में अगर वृद्धि हो तो शरीर छोड़ने पर गति होती है। हरे कृष्णा।